हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल फैशन एंड कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए ये आम का खटमीठी बनाने वाली हूँ। ये 500 ग्राम है आम, जिसको हम छील करके और काट करके रख ली हूँ। इसको धूप में इसको थोड़ा सा सुखा ली हूँ, जिसमें जो पानी नहीं रहना चाहिए खटमिट्टी में, आम में जो है कि पानी जो भी है उसको सुखा दिया जाता है। और सुखा देने का मतलब है कि पानी इसमें रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो ये सालों साल चल सकता है। इसको स्टोर करके हम लोग साल भर तक खा सकते हैं, इसलिए इसके इसमें हम लोग 1 चम्मच मेथी दाना लेंगे, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड लेंगे यानी सरसों दाना लेंगे, 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, 1 चम्मच मंगरायल लेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेंगे। इस सबको फ़ौरन में यूज करेंगे। पहले हम चूल्हे को चला लेंगे। इसमें तेल डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा तेल नहीं, 1 चम्मच, हाफ चम्मच इससे तेल डाल दिए, तेज पत्ता डाल देंगे और ये सभी दाने को इसमें डाल देंगे। हल्का भुनाएगा और इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे, 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हल्का भुनाएगा, ज़्यादा नहीं भुनाएगा, क्रीमी रेड हो जाएगा, तब इसमें हम ये आम को ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें दाने चटकने लगे। अब हम इसमें आम को डाल देंगे। आम के जितने कच्ची है इसको हल्का भून लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना। हाफ चम्मच नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा और काला नमक हम पकने के बाद डालेंगे। इसको हम स्लो फ्लेम करके इसको ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको चला लेंगे 1 मिनट 2 मिनट तक इसको चला लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, आधा केजी है 500 ग्राम आम, इसमें 500 ग्राम यानी आधा किलो चीनी पूरा पड़ जाएगा। इसको धीमा आंच पर पकाएंगे हम इसको।
क्योंकि हमको पानी ऐड नहीं करना है इसमें। इसको ढक देंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी डालने पर ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको धीमा आंच पर पकाएंगे। धीरे धीरे करके सभी चीनी इसमें गल जाएगा और चाशनी जैसा तैयार हो जाएगा, इसलिए इसको धीमा आंच पर पकाएंगे हम। इसको धीरे धीरे एक मिनट दो मिनट पर इसको हम चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, चीनी जो है धीरे धीरे पिघल रहा है। जब तक चीनी पूरा का पूरा सभी चीनी पिघल नहीं जाता है, तब तक हम इसको कम आंच पर यानी स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे हम इसको। जब तक चीनी चाशनी जैसा बन जाएगा, तब हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करेंगे। इसको फिर ढक देंगे। फिर एक बार चला देंगे हम। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर चीनी सब गल गया है। हल्का इसमें रह गया, एकदम हल्का रह गया है चीनी। इसी तरह से स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे हम इसको, जब तक ये पक न जाए। ये कच्चा है, ये पक जाएगा। इसी चाशनी में ही पकाना है इसको, इसमें पानी नहीं लगाया जाएगा। चाशनी में इसको पक जाएगा तो फिर उस पर से कुछ और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे लाल मिर्ची पाउडर भुना हुआ, जीरा पाउडर भुना हुआ, और काला नमक। ये सभी जब पकेगा, पक जाएगा, तब लगाएंगे इसमें, तभी डालेंगे, उसको मिलाएंगे। तब तक इसको धीमी आंच पर ही पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये तैयार हो चुका है। ये गल गया है, एकदम पक गया है। देखिए एकदम पक गया है। अब ये इसका चाशनी भी तैयार हो गया है। देखिए अब ये जो है, इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कश्मीरी मिर्च हल्का, एक चौथाई चम्मच। और ये लाल मिर्च है भुना हुआ, हाफ चम्मच। और ये है काला नमक, हाफ चम्मच। पिसी हुई जीरा भुना हुआ है, हाफ चम्मच। अब ये सबको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये आम के खट्टा मीठा अचार कह सकते हैं, खटमिट्ठी कह सकते हैं, लौजी कह सकते हैं, आपके जो इच्छा हो इसको नाम रख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। इसको रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, चावल के साथ भी खाया जा सकता है। और इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं हम, लेकिन ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें पानी नहीं है। बिना पानी के चीनी की चाशनी बना करके उसे पकाया गया है। एकदम तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसको देखिए दोस्तों, तो हम कैसे इसमें निकालते हैं, तो कितना सुंदर दिखता है। आप भी बनाइए और साल भर तक अपने घरों को, घर वाले को खिलाएं, स्टोर करके रखें। ये देखिए दोस्तों,
आम केक खट्टी-मीठी कैसा बना हुआ है, आप इसे बना करके खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और आनंद लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।